दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय इविंग्स अकेडमी धर्मशाला। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश की दूसरी राजधानी व कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में भी सन्नाटा पसरने लगा है। सबसे व्यस्त चौक चौराहे और होटल रेस्तरां भी अब खाली नजर आ रहे हैं। दिव्य हिमाचल ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर मौका मुआयना किया तो देखा कि जो खान पान वाले रेस्तरां सुबह से लेकर देर शाम तक चहल पहल और व्यस्त रहते थे, आज उनमें भी इक्का दुक्का लोग ही पहुँच रहे हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के असर को लेकर ग्राउंड जीरो पर रियलिटी जांचने के लिए दिव्य हिमाचल की टीम पहुंची हुई है और अभी हम हैं भागसू फूड कोर्ट में। हम आपको दिखा दें कि ये वो स्थान है जो अक्सर भरा रहता है, जहां चहल पहल रहती है। ये आप देख सकते हैं, इस टाइम कुर्सियाँ जो हैं वो लगभग तमाम सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, मात्र दो टेबलों पर जो है वो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ खान पान के लिए पहुँचे हुए हैं। बाकी हम आपको दिखा दें, चारों तरफ पूरा रेस्टोरेंट जो है वो खाली पड़ा हुआ है। हालांकि ये शहर का वो रेस्टोरेंट है जो लगभग सुबह से लेकर देर शाम तक जहाँ हलचल रहती है, रौनक लगी रहती है, भरा रहता है। हम इस संस्थान के जो मालिक हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कोरोना का कितना असर जो है वो फिलहाल यहाँ इनके रेस्तरां पर पड़ रहा है। जी, आप रोज यहाँ चहल पहल रहती है, अभी कितने परसेंट जो है वो कमी आई है कारोबार में? जी काफ़ी कमी आई है, यहाँ देख लो आप, इधर तो 80-85% रहता था जी, अभी तो 5-10% ही है। तो जैसे हम इस टाइम यहाँ पहुँचे हुए हैं तो कितना जो है वो इस टाइम कितने टेबल आपके लगभग रूटीन में लगे रहते थे और आज सिर्फ दो टेबलों पे हम लोग जो है वो बैठे हुए लोग देख रहे हैं? तकरीबन आधे टेबल। तो कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है आपके, जो यहाँ कितने लोग कितने काम करते हैं? 8-10 आदमी। अच्छा, तो वर्कर भी जो है वो सारे लगभग फ्री हैं? जी बिल्कुल फ्री हैं, 2-3 आदमी लगे हुए हैं बाकी। जी तो आपने देखा कि ये जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम आपको दिखा दें कि बिल्कुल बिना काम के खड़े हैं। कोई काम जो है वो कारोबार में गिरावट के चलते यहाँ नजर नहीं आ रहा है। और दुकान के बाहर जो अक्सर यहाँ वाहनों की भीड़ लगी रहती थी, यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी, वो भी बिल्कुल खाली है। ये जो कामगार हैं इनके वो भी बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। ग्राहकों का टोटा सड़क पर भी हम आपको दिखा दें कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि ये जो सड़क है ये कॉलेज रोड है और अक्सर ये पूरा भरा रहता था, यहाँ वाहनों की कतारें लगी रहती थी, लोगों की आवाजाही में भी लगातार वृद्धि होती थी। लेकिन अब हम इस सड़क मार्ग को देख रहे हैं, ये कॉलेज रोड है और कॉलेज रोड पर बना ये रेस्टोरेंट जो है यहाँ लगभग सुबह से लेकर देर शाम तक रौनक लगी रहती थी, लेकिन अभी यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना का कितना असर है ये साफ तौर पर जो है वो दिख रहा है। वायरस का कितना असर है खान पान और अन्य कारोबारी संस्थानों पर, हम हैं सागर रत्ना में और हमारे साथ मौजूद हैं सागर रत्ना के मालिक। हम इनसे जानेंगे कि कितना असर है बाहर से आने वाले पर्यटकों की, क्योंकि 15 मार्च बीत चुका है और पर्यटन सीजन भी लगभग शुरू हो चुका है। तो किस तरह का असर है सर अभी मार्केट पर? अभी ऐसा है कि जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कस्टमर फॉल 15 मार्च के बाद, बट अभी ऐसा है कि आपका कस्टमर फॉल जनरल अगर हम कहते हैं 10% से भी नीचे आ गया। तो इसमें ये है कि आप अपने इसको बंद नहीं कर सकते, बट एहतियातन हम लोग कई चीज़ें कर रहे हैं कि हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं अपने एरिया को बार बार एंड हर चीज़ अवेलेबल है, बट फिर भी कस्टमर फुटफॉल बहुत कम है। तो उपभोक्ताओं के आने में जो है वो बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, मात्र 10% ही कारोबार जो है वो रह गया है। ये तो आप देख रहे थे कि भागसू जो फूड कोर्ट है वहाँ पर अब बहुत कमी जो है वो हो चुकी है कस्टमर के आने जाने की। अब हम आपको दिखा दें कि इसके साथ एक और खान पान का अन्य जो संस्थान था वो इसके बिल्कुल बगल में जो है वो है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये उपभोक्ताओं की कमी के चलते जो है वो ताला लगा कर जो है वो इसे बंद कर कर चले गए हैं। यहाँ भी अन्य दिनों की तरह ही रोज जो है वो रौनक रहती थी। ये दोनों दुकानें जो हैं उन पर लोगों के लिए खान पान की व्यवस्था जो है वो रहती है, लेकिन हम आपको बता दें कि
एक रेस्टोरेंट जो बड़ा रेस्टोरेंट है उसने थोड़ी हिम्मत रखी है, लेकिन जो उसके साथ जो एक और अन्य छोटा रेस्टोरेंट है वो बंद करके चला गया। हम आपको दिखाते हैं जो सामान इन्होंने बनाया हुआ था उसको भी बता रहे हैं कि नाली में फेंक कर चले गए हैं। ये हम आपको दिखाते हैं कि ये आप देख सकते हैं जो सामान इन्होंने तैयार किया हुआ था उसको भी यहाँ पर नाली में फेंक कर जो है वो ये चले गए हैं। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ पवन शर्मा, दिव्य हिमाचल, धर्मशाला। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ टू बी डॉक्टर शिवांगी रांगरा एंड वेरी सून आई विल बी अ बैचलर इन डेंटल सर्जरी एंड फॉर माय दिस सक्सेस आई वांट टू ओ अ ह्यूज थैंक्स टू द इविंग्स एकेडमी लोकेटेड एट चामुंडा, धर्मशाला एंड पालमपुर एंड इट्स चेयरमैन मिस्टर गुलशन वर्मा हु इज एन आइकन ऑफ इंटेग्रिटी एंड हार्डवर्क एज वेल एज अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। He and his team guided me to the right path and place I never thought I would be. Thank you, sir, for sticking up to me and letting me and showing me how to stick up to myself. And Ewings is a place which not only educate you but also groom your personality. Ewings is a place which really gives you wings to fly fearlessly to your goal. Thank you.